यहाँ पे लेंथ वन टू, ठीक है, टू हो गई, थ्री फोर जो ब्लू कलर से दिखाई दे रही है ना, ये लेंथ होगी। तो फोर नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड इंटरनली ऑफ द ग्लास पैन। ग्लास पैन का यूज करके आपके पास ग्रीन हाउस बनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है, ध्यान से सुना पॉइंट को, कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता कि इसमें रूल कौन सा लगाए, ठीक है, लेटर लगाए या टोटल लगाए, कौन सा यूज किया जाएगा। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान सुना। देखिए इसमें बोला गया है कि ग्लास पैन से बनाया गया है ग्रीन हाउस, ठीक है, इंक्लूडिंग बेस, ठीक है, बेस हो गया। अभी हमें समझ में नहीं आया कि इसमें कौन सा रूल लगेगा। इसमें आ गया है टूगेदर विद द टेप, टेप से बनाया हुआ है, चारों तरफ से बंद करा हुआ है। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब 30 सेंटीमीटर तो लंबाई हो गई, 25 सेंटीमीटर वाइड मतलब चौड़ाई हो गई, चौड़ाई हो गई, और यहाँ पे 25 सेंटीमीटर हाइट, हाई मतलब हाइट दी हुई है। तो कभी भी तीन साइड आपको दी जाए, कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर तीन साइड आपको दी जाए, तो हमेशा वहाँ पे आपका क्यूबॉइड रूल लगाएगा, क्यूबॉइड शेप होगी वहाँ पे, कौन शेप होगी, क्यूबॉइड शेप होगी। अब क्वेश्चन ये आता है इसमें रूल कौन से लगाए। अब आपको पता है कि ग्रीन हाउस जो होता है, वो ग्रीन हाउस जो होता है वो चारों तरफ से बंद होता है, ऊपर से बंद होता है, चारों तरफ से बंद होता है, लेकिन नीचे वाला सरफेस यूज नहीं किया जाता, उसमें बस खाली पेड़ पौधे बोए जाते हैं, समझ में आ गया। तो इसलिए वो यूज नहीं किया जाता, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग बेस, मतलब बेस को भी इंक्लूड करना, इसका मतलब है क्यूबॉइड हो गया क्लोज। तो क्लोज हो गया तो कौन सा रूल अप्लाई करोगे आप इसमें, कौन सा रूल अप्लाई करोगे, क्लोज है तो क्लोज वाला टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया आपको इसमें लगाना है, और पहले पार्ट का जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। इसमें बोला गया व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, ग्लास का एरिया कितना है ये पूछा गया है, इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, वो हम निकाल लेते हैं। समय को बचाने के लिए मैंने ना कुछ पॉइंट, कुछ लाइन मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, लेकिन वो लाइन क्या है वो आपको पता होती है पहले ही। तो यहाँ पे एरिया ग्लास का जो पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट हम लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट पार्ट एरिया ग्लास का, तो टोटल सरफेस एरिया का रूल लगा दिया इसमें। तो यहाँ पे लेंथ ये है, ब्रिथ और हाइट ये है, तो लेंथ कितनी यहाँ पे 30, देखो लेंथ इनटू ब्रिथ लिखा हुआ है, मतलब 30 मल्टीप्लाई 25, तो यहाँ पे आ गया 30 मल्टीप्लाई में 25 ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे ब्रिथ मल्टीप्लाई हाइट लिखनी है, ब्रिथ मल्टीप्लाई हाइट लिखनी है, ब्रिथ कितनी है इसमें 25 और हाइट कितनी है 25, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, 25 मल्टीप्लाई 25 आ गया, ठीक है। उसके बाद बीच में साइन कौन सा लगाना है, प्लस का साइन लगाना है, ये लगा दिया। उसके बाद लिखना हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, हाइट 25 और लेंथ कितनी है 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 30, ये आ गया। अब यहाँ पे बीच में प्लस का साइन आ गया और यहाँ से कर दीजिए इसको क्लोज, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों के आपस में तो कितना आ जाएगा, जीरो को भूल जाओ, 25 3 कितना होता है 75, थोड़ी जहाँ पे जीरो दिख गई तो जीरो लगा दीजिए। करने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ इसी, ठीक है। अब इसमें से दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 625, ठीक है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 750, और बीच में साइन कौन सा आएगा, बीच में साइन आ जाएगा प्लस का, ये प्लस का आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और 2 था मल्टीप्लाई में, ये लिख दिया। अब इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है, तीनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो हम इसको ऐड कर देते हैं, 750 है, तो ये कितना हो गया 1500 हो गया, और 625 और ऐड कर दीजिए, तो ये कितना बन गया आपके पास, 1500 में 600 ऐड कर दिया तो 21 और 25 ये आ गया, और मल्टीप्लाई में 2 आ गया, ठीक है, ये आ गया 2100 तो बनता है भाई, यहाँ पे ये दोनों ऐड करके 1500 हो गया, 1500 में 600 और ऐड कर दो, 2100 और 2500 ऐड कर दो तो कितना होगा, 2125 हो गया। अब दोनों को क्या करना, मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये इसका एरिया निकल के आ गया, ये था इसका आंसर। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड जो पार्ट है उसमें ना टेप की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है कि हमें टेप की कितनी जरूरत है, तो इसका मतलब है हमें टेप की जरूरत है कितनी, तो इसका मतलब हमें एरिया नहीं निकालना, वहां पे उसकी लेंथ निकालनी है, टोटल पैरामीटर निकालना है कि उसमें कितनी टेप की जरूरत पड़ रही है। तो मैं आपको एक तरीका आपको समझा देता हूं, आपके सामने ये क्यूबॉइड बॉक्स है, क्लोज क्यूबॉइड बॉक्स का यूज किया गया था। अब यहाँ पे लेंथ कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है, लेंथ के नंबर मतलब लेंथ कितनी होती है इस क्यूबॉइड के अंदर, ब्रेथ कितनी होती है और हाइट कितनी होती है, ये मैं आपको काउंटिंग करवा रहा हूँ यहाँ पे। अब लेंथ काउंटिंग कर लेते हैं हम यहाँ पे, लेंथ 1 2, ठीक है, 2 हो गई, 3 4 जो ब्लू कलर से दिखाई दे रही है ना, ये लेंथ हो गई, तो 4 तो लेंथ हो गई, 4 लेंथ हो गई। अब हम ब्रेथ देख लेते हैं, ब्रेथ, ब्रेथ होती है ग्रीन कलर से जो है, 1 2 3 4, 4 ब्रेथ हो गई। अब हाइट देख लेते हैं, हाइट देख लेते हैं, 1 रेड कलर से, 1 2, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 4, 4 ही लेंथ होती है, 4 ही ब्रेथ होती है, 4 ही हाइट होती है,
तो मतलब यहाँ पे फोर लेंथ हो गई, फोर ब्रेथ हो गई, फोर हाइट हो गई। अगर इन तीनों को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल लेंथ निकल के आ जाएगी। क्या इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा? हाँ कॉमन निकलेगा, तो कॉमन निकाल देते हैं, तो कॉमन आ जाएगा इसमें फोर, फोर कॉमन आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या बचेगा, लेंथ बचेगी प्लस में ब्रेथ बचेगी और प्लस में हाइट बचेगी, ये आ गया। अब इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट की वैल्यू पुट कर देते हैं। लेंथ कितनी है इसमें, 30 है, तो मैंने यहाँ पे 30 लिख देना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब लेंथ कितनी है, 30 तीनों, लेंथ ब्रेथ कितनी है, 25 आ गया, और हाइट कितनी है, 25 ये आ गया। अब इन तीनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 25 25 कितना होता है, 50, 50 में 30 ऐड कर दो तो 80 आ गया, 80 मल्टीप्लाई 4 आ गया तो कितना आ गया, 320 सेंटीमीटर, 320 सेंटीमीटर। हमें टेप की जरूरत पड़ेगी।